वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय राउत ने व्यक्त किया अपना मत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के वर्तमान भविष्य पर होगी चर्चा। पूरे राज्य में शिवसेना हुई आक्रामक, तानाजी सावंत के लिए कराई गई कड़ी पुलिस सुरक्षा। और एकनाथ शिंदे के आरोपों पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सफाई, सुरक्षा हटाने के लिए नहीं दिए अध्यादेश। अब खबरें विस्तार से। संजय राउत ने शिवसेना की चल रही गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने अमित शाह से हुई बातचीत नहीं देखी, मुझे राज्य के विषय में कुछ भी पूछा जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के वर्तमान भविष्य पर चर्चा की जाएगी। शिवसेना किसी को भी महाशक्ति बनाकर हमें खत्म नहीं कर सकती, तो वही शिवसेना के जो लोग मुंबई छोड़कर गए हैं उन्हें निशाना बनाते हुए बोले वह महाराष्ट्र से बाहर गए और अब दर दर भटक रहे हैं। शिवसैनिक हो तो इतने कमजोर कैसे पड़ गए, फ्लोर हाउस में समझेगा कि इसमें कितना दम है। मुंबई में वापस आने के बाद खेला होबे, ऐसी व्यंगात्मक टिप्पणी भी की, तो वही भाजपा को निशाना बनाकर कहा कि भाजपा इस विषय में ध्यान ना दे, नहीं तो बची हुई प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। देवेंद्र फडणवीस इस मामले से दूर रहे, मोदी की प्रतिष्ठा देश की प्रतिष्ठा है, अगर उन्हें क्लीन चिट मिलती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी है। बात ऐसी है, मैं उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बिना जानकारी मैं कोई बात नहीं करूँगा, हमारे लिए वो विषय इम्पोर्टेंट नहीं है। आप महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है, और अधाम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहाँ रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियाँ करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में, इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे के बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा, उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का, जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। बात ऐसी है, देखो, मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए, किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबको बोला है संयम रखो, मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाए। शहर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता विशाल उद्धव नंदरकर ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। दूसरे शब्दों में यह युवक राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है और संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार उसने सोशल मीडिया पर फॉर्म भरने की जानकारी प्रसारित की है। अब वह फॉर्म भरने की रसीद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। औरंगाबाद शहर के सिडको इलाके में रहने वाले इस युवक का नाम विशाल नंदुरकर है और वह सामाजिक कार्यों में हमेशा सबसे आगे रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने दिल्ली जाने और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के इरादे से नामांकन फॉर्म भरा है। इस युवक की आज काफ़ी चर्चा हो रही है और उसके द्वारा फॉर्म भरने की स्वीकृति समाज मध्यम मनोवृत्ति को वायरल कर दिया है।
महाराष्ट्र में शिवसेना की चल रही गतिविधियों में औरंगाबाद के इस युवक का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, क्योंकि उसने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के इरादे से फॉर्म भरा था। नमस्कार, मैं विशाल जोरंदरकर, नई दिल्ली संसद भवन, यहाँ पे मैंने 20 जून दोपहर में 1 के करीब सबसे बड़ा जो चुनाव होता है राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का, उसके लिए उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया है। मैं औरंगाबाद का रहवासी हूँ और पूरे देश भर के जो मतदार है, पूरे आमदार जो 543 खासदार है और 4000 प्लस जो आमदार है जनता की ओर से चुन के आए, उनको मैं अपील करता हूँ कि आप मुझे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करें। कोई भी पसंदी हो कि कोई कोई पक्ष है, जो अभी महाराष्ट्र में जो ये बड़ा भूकंप हुआ है, समझो राजकारणी जो शिवसेना में रहते अलग गढ़ बना के नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते, उसी तरह जो आपको भी आपका भी कोई मुख्यमंत्री है, क्योंकि अगर जो निधि नहीं मिलती होगी तो इसी कारण आप जो अपक्ष आमदार खासदार हो गए, वो देश भर के पूरे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की बात कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, सब तरफ के आमदार खासदार ने मुझे पहली पसंदी के ओर देते बहुमत से जिताई। विशाल नांदरकर, औरंगाबाद रहवासी। दिग्रस नगर परिषद के बुरे कारभार का स्वरूप एक बार फिर से सामने आया। किसानों का पोला मनाए जाने वाला मैदान डंपिंग ग्राउंड बन गया। नगर परिषद दिग्रस की शून्य योजना के कारण पोला या बैलों का उत्सव मनाने वाला यह एक एकमात्र स्थान है। यह स्थान मध्य बस्ती के जगह पर है। इस जगह सड़े हुए कचरे की वजह से दिग्रस शहर के लोगों को वहां से आना जाना करते समय आने वाली बदबू की वजह से परेशानी हो रही है। इस मैदान में नागरिकों की भारी भीड़ रहती है और इसी स्थान पर दिग्रस नगर परिषद द्वारा डंपिंग ग्राउंड किया गया है। नगर परिषद की अजीबोगरीब नीति ने नागरिकों की नाक में दम कर रखा है। बार बार लिखित शिकायत के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा। ट्रस्ट नागरिकों ने पत्रकारों के लेखनी का सहारा लेकर इस परेशानी पर रास्ता निकालने की मांग की है। पुला मैदान में डंपिंग ग्राउंड का निर्माण किया गया है और अरुणावती नदी उसी स्थान पर है। इस डंपिंग ग्राउंड के कारण पानी को दूषित करने का काम चल रहा है। पूर्व वन मंत्री और दिग्रस विधानसभा के विधायक संजय राठौर ने लाखों रुपए लाए, अपने अथक प्रयासों से अरुणावती नदी पात्र को गहरा और चौड़ा करने का कार्य किया। हालांकि नगर परिषद दिग्रस की गैर जिम्मेदार नीति के चलते नदी पात्र में डंपिंग ग्राउंड का निर्माण कराया गया है। अरुणावती नदी पात्र का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि नगर परिषद दिग्रस पोला मैदान नदी पात्र के पास एक ही स्थान पर गीला और सूखा कचरा डंप कर रहा है। क्या इस दूषित पानी से दिग्रस के नागरिकों की प्यास बुझाएगी दिग्रस की नगर परिषद? नगर परिषद के लिए यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि मलेरिया, बुखार, डेंगू और मच्छरों के मामले काफ़ी बढ़ जाएंगे, लेकिन नगर परिषद की जीरो प्लानिंग से दिग्रस के नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। साफ सुथरा खूबसूरत शहर सिर्फ कागजों पर ही क्यों? इस मामले पर खुद जिला कलेक्टर अमूल येड़गे ध्यान देंगे, ऐसे सवाल नागरिकों में उठ रहे हैं। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्रे की रिपोर्ट। राज्य में एकनाथ शिंदे के शिवसेना से विद्रोह करने के बाद पूरे राज्य में शिवसेना आक्रामक हो गई है। कई शिव सैनिकों द्वारा विधायक कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में कुछ शिव सैनिकों ने पुणे में शिवसेना विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर तोड़फोड़ किसने की। इस घटना के बाद से तानाजी सावंत और उनके कात्रज मुख्यालय और घर के बाहर भी पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है।
सुरुचि मसाले। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। गोंदिया में 26 जून को रजेगांव में फुले शाहू बिरसा पेरियार अंबेडकर विचार मंच जयंती महोत्सव समारोह होगा। इस महोत्सव में निर्भया हत्याकांड में आरोपी को फांसी पर चढ़ाने वाली दिल्ली की एडवोकेट सीमा कछवा मुख्य वक्ता होंगी। गोंदिया जिले के रजेगांव में छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज सार्वजनिक सामाजिक जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी नैना गुंडे, धनंजय वंजारी, पुलिस अधीक्षक सुनील ताजने, DYSP डॉक्टर महेंद्र गजबीये, उपशिक्षणाधिकारी डॉक्टर सुप्रिया बोरकर, एडवोकेट अनिल वट्टी, सावन कटरे, विनायक खैरे, राजेंद्र वैद्य, प्रकाश ब्राह्मणकर, डॉक्टर प्रशांत मेश्राम, डॉक्टर अनिल आटे, डॉक्टर सनम देशभ्रतार, सिद्धार्थ गायकवाड़, उपाध्यक्ष नागपुर तेजेंद्र मेश्राम, जयचंद रमादे, विकास वासनिक, विशाल शिंदे, धर्मदाय आयुक्त आदि अतिथि उपस्थित रहेंगे। सुबह 10 बजे प्रकाश सागर ग्रुप द्वारा संगीतमय प्रबोधनकार कार्यक्रम होगा। 12 बजे जयंती महोत्सव में मुख्य अतिथि अपना उद्बोधन संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थिति की अपील कमेटी पदाधिकारियों ने की है। VKB न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। गोंदिया में लंबे समय के बाद आखिरकार जिला परिषद के पदाधिकारियों को विभाग दिए गए। शुक्रवार 24 जून को जिला परिषद में सभापति पदों पर चुने गए सदस्यों को विभागों का बंटवारा किया गया। गोंदिया में जिला परिषद के जहां लंबे इंतजार के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति पदों के चुनाव संपन्न हुए, इसके बाद फिर लंबे समय के उपाध्यक्ष व सभापति पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के विभागों का बंटवारा हुआ है। जिला परिषद के चुने गए सभापति अपने पसंदीदा विभागों के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका मनपसंद विभाग देने और एक विभाग पर अनेक का दावा होने की स्थिति में सभी के बीच संतुलन बनाते हुए निर्णय लिया गया। ऐसी स्थिति में 7 जून को स्थगित होने के बाद आखिरकार शुक्रवार 24 जून को जिला परिषद में सभापति पदों पर चुने गए सदस्यों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। जिला परिषद की आम सभा 24 जून को संपन्न हुई। सभा के पूर्व ही सभापतियों को उनके विभागों की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला परिषद के उपाध्यक्ष, भाजपा के सभापति, जिला परिषद सभापति व पशु संवर्धन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन में सभापति पूजा अखिलेश सेठ को, समाज कल्याण विभाग सविता संजय पुरम को महिला व बाल कल्याण पद वितरित किए गए हैं। VKB न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार पर विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया था, जिस पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सफाई देते हुए कहा है कि किसी की सुरक्षा वापस नहीं हटाई गई। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक की सुरक्षा नहीं हटाई गई और ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। शिवसेना के बागी विधायक के कार्यालय पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के हमले के मामले पर बोलते हुए कहा है कि जिन विधायकों के यहाँ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उन लोगों के घरों की सुरक्षा देने की कार्रवाई स्थानीय पुलिस करेगी।
आपको बता दें कि आज शिवसेना के बागी विधायकों के कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री का ये बयान आया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अपनी मेजोरिटी नहीं खोई हुई है, लिहाजा सरकार को फैसले लेने के पूरे अधिकार है, इसलिए सरकार को निर्णय लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट पर बात करते हुए कहा कि संविधान के 10th शेड्यूल के मुताबिक किसी भी पार्टी के कोई विधायक अगर दल बदलना चाहते हैं तो उसकी अनुमति पहले हुआ करती थी, लेकिन जो संविधान के 10th शेड्यूल में बदलाव किया है उसके बाद यह मुमकिन नहीं है। इसके लिए उन्हें पार्टी को मर्ज करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अब यह बागी विधायक किस पार्टी में मर्ज करेंगे ये पता नहीं। महाविकास आघाड़ी से शिवसेना को बाहर निकालने के लिए शिवसैनिकों ने रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस वक्त शिवसेना के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। बुलढाणा में शिवसैनिकों ने शिवसेना को महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकालने के लिए शहर में नारेबाजी की और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गठबंधन छोड़ने का अनुरोध भी किया। शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों ने बगावत कर दी है। सभी विधायक गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं, जिसमें बुलढाणा जिले के विधायक संजय गायकवाड़ और विधायक संजय रायमुलकर शामिल है। विधायक संजय गायकवाड़ ने सुबह 11 बजे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बातचीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर ली और पास के जयस्तंभ चौक इलाके में नारेबाजी की। इसमें शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी से हटाने की मांग की है। इसमें शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। उद्धव साहेब, जय महाराष्ट्र। मी बुलढाणा विधानसभा मतदार संघातून आणि बुलढाणा शहरातून आदरणीय स्वर्गीय सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी यांच्या आशीर्वादानं 3 शिवसेना शहर प्रमुख राहिलो। आदरणीय बाळासाहेबांच्या आशीर्वादानं जिल्हा परिषद सदस्य 3 नगरसेवक अशा पद्धतीनं नेहमी सरसेनापती बाळासाहेबांचा आशीर्वाद आम्हाला मिळालेला आहे। आदरणीय उद्धव साहेब, बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघातून तुम्ही जे आशीर्वाद धर्मवीर साहेबांना दिलं, इथं धर्मवीर साहेब निवडून आले आणि धर्मवीर साहेब हे सर्व रस्त्यावरच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन चालणारे एक धर्मवीर संजीवभाऊ गायकवाड आहेत। उद्धव साहेब, तुम्हाला आमचे हात जोडून आणि पाय पडून विनंती आहे, सर्व कार्यकर्त्याची विनंती आहे की सर, आम्ही 33-35 वर्ष कंटिन्यू शिवसेनेत राहून हिंदुत्वाच्या हिंदुत्वासाठी इथं मार खाल्लं, आमचे तडीबारीचे ऑर्डर निघाले, आम्ही तरी आदरणीय धर्मवीर आम्ही स्वतः कार्यकर्ते आमचे तडीबारीचे ऑर्डर निघले असताना आम्ही शहर सोडून आम्ही 15-15, 20-20 दिवस बाहेर पडून गेलो, पण कधी आमच्या बुलढाणा शहरातल्या आमच्या मतदारसंघाच्या शिवसेनेला कधी धक्का लागू दिला नाही। आम्ही आज या ठिकाणी बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघातील सर्व शिवसेना युवासेना व सर्व शिवसेनेचे अंगीकृत सेनेचे सर्व कार्यकर्ते आज या ठिकाणी जमलो आहे। माननीय विधानसभा बुलढाणा मतदारसंघाचे आमदार संजीवभाऊ गायकवाड यांनी थोड्याच वेळापूर्वी सर्व कार्यकर्त्यांशी पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला। तो संवाद साधत असताना माननीय आमदार संजीवभाऊ गायकवाड यांनी केलेला संघर्ष हा बुलढाण्यानं नव्हे तर संबंध महाराष्ट्रानं पाहिलेला आहे आणि त्याच मुद्द्यावर माननीय संजीवभाऊ बोलले की आमच्या रक्तारक्तामध्ये शिवसेना आहे। ज्यावेळेस शिवसेनेची पहिली शाखा बुलढाण्यामध्ये स्थापन झाली होती तेव्हापासून आम्ही शिवसेनेसोबत आहोत आणि मरेपर्यंत शिवसेनेसोबत राहू, परंतु आमचा जो अधिकार आहे आम्ही रडगरानं गाळायचं तर कोणाकडे गाळायचं, आम्ही उद्धव साहेबांकडे रडायचं नाही तर कोणाकडे रडायचं, आमचा अधिकार बाळासाहेब गेल्यानंतर सर्वात मोठा जर कोणाकडे असेल तर तो उद्धव साहेबांकडे आहे असं त्यांचं म्हणणं झालं आणि त्यांनी तोच मुद्दा धरून हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की फक्त हिंदुत्वासाठी आणि शिवसेनेचं जे खच्चीकरण आज होत आहे ते वाचवण्यासाठी, कारण शिवसेना जगेल, शिवसेनेचा कार्यकर्ता जगेल तेव्हा शिवसेना मोठा होईल आणि शिवसेना मोठी होईल तेव्हा हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न आपण सत्यात उतरवू शकू, हे सुद्धा भाऊंनी या ठिकाणी सांगितलं। बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजीवभाऊ गायकवाड यांनी आमच्या सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी आता 2 संवाद साधला। संवादात सांगताना त्यांनी सांगितलं की मी शिवसेनेत होतो आहे आणि शिवसेनेतच राहील। या गोष्टीवर आमच्याशी चर्चा करताना ते भावनिक झाले। भावनिक होताना त्यांनी सांगितलं की आम्ही माननीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराला पुढे घेऊन जात आहोत। फक्त या बुलढाणा जिल्ह्यात या राष्ट्रवादीची एक पालकमंत्री जे या आमच्यावर आमच्या कार्यकर्त्यांवर अत्याचार करतात, या मतदारसंघात निधी देत नाही, त्याबद्दल त्यांची खदखद आहे, ती त्यांनी व्यक्त करून दाखवली। तो VKB न्यूज की दोपहर की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।